इस वीडियो में हम HTML के हरे टैग के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली हरे टैग का हम यूज करते हैं ऑथर के इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने के लिए, या हमने किसी फॉर्म में देखे होंगे जैसे कि होम, कोर्स, कंटेक्ट, अबाउट जो सेक्शन होते हैं, इसको भी हम डिजाइन करके हम हरे टैग को यूज करते हैं। ओके, तो चलिए इसकी कोडिंग करते हैं, इसके बारे में थोड़े हम जानने की कोशिश करते हैं विदाउट यूजिंग एनी CSS। ओके, तो सबसे पहले हम HTML टैग को ओपन यहाँ करेंगे, एंड इसे क्लोज करेंगे और सिंपली यहाँ से HTML से क्लोज कर देंगे। देन यहाँ से हम हेड टैग को ओपन करेंगे एंड हेड को क्लोज कर देंगे, और यहाँ से हम सिंपली बॉडी टैग को भी ओपन कर लेंगे। ओके, एंड बॉडी टैग को क्लोज भी कर लेंगे। अब यहाँ से हो गया। देन हमें यहाँ से अगर हेड टैग को ओपन करना तो सिंपली हम हेड टैग को भी यहाँ से ओपन कर लेंगे एंड क्लोज भी हो जाएगा। अब इसे हेड टैग के अंदर हम सिंपली चाहे तो एक हम हेडिंग दे सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक नॉर्मल आपको दिखाते हैं, H2 हेडिंग ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर देते हैं वेलकम टू प्रोग्रामिंग। ओके, और H2 को क्लोज कर दिए। अब इसे हम सेव करने सिंपली फाइल पे आएंगे, और यहाँ से हम देंगे सेव एज पे, और यहाँ से डेस्कटॉप ले लेंगे इसका डेस्टिनेशन, और यहाँ से हम दे देते हैं सिंपली header.html। फाइल नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट एक्सटेंशन जो उसका रहेगा HTML लगा रहना चाहिए, और इसे हम सेव कर देंगे। एंड यहाँ से अपने डेस्कटॉप पे आएंगे सबसे पहले, और देखते हैं यहाँ से हमारा हेडर फोल्डर था, जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए हमारा वेलकम टू प्रोग्रामिंग आ गया। ओके, अब यहाँ से हम चाहते हैं इस पर हम वो मेन्यू बनाने के लिए यहाँ से कोर्स कंटेंट ये सब आ जाए तो कैसे होगा। ओके, तो सिंपली इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ले लेंगे एंकर टैग के अंदर href, जो कि किसी लिंक को एक्टिवेट करें। सिंपली अगर हम कोई मतलब चाहे तो पाथ दे सकते किसी वेबसाइट को जाने के लिए, बट हम चाहते हैं कि हमारा ब्लैंक रहे, इसके लिए हम सिंपली इसके लिए यहाँ हैच को यूज़ कर लेंगे। ओके, और यहाँ पर हम दे देते हैं होम, और इसे एंकर टैग को क्लोज करते हैं, अगेन एक एंकर टैग ओपन करते हैं, और href में फिर हम दे देते हैं हैच को, क्योंकि हम कोई लिंक यहाँ पर यहाँ चाहे गूगल पर अगर इसको पेज को चाहे तो हम ट्रांसफर करते हैं, या थे अपने होम सेक्शन का एक अलग पेज बनाए तो उसका यहाँ पर हमें लिंक पास करना पड़ेगा, हमारे पास ऐसा कोई है नहीं, तो यहाँ पर सिंपली इसको हम ब्लैंक रखने के लिए यहाँ पर हैच को यूज कर रहे हैं। ओके, और सिंपली यहाँ पर हम दे रहे हैं कोर्स। ओके, और एंकर टैग क्लोज करेंगे, अगेन हम एंकर टैग को ओपन करेंगे, और यहाँ से href को ओपन करेंगे, और इसमें हैच को पास कर देंगे, और इसमें लिख देते हैं कंटेक्ट एंड क्लोज कर देंगे इसे। देन यहाँ से एंकर टैग ओपन करेंगे href, एंड इसमें भी एक पास कर देंगे, और उसमें हम दे देंगे अबाउट सेक्शन। ओके, अब इसके लिए बेसिकली यहाँ पर हमारा अबाउट सेक्शन के लिए, यहाँ पर अबाउट सेक्शन जाने के लिए एक लिंक को पेज बन डिजाइन करना पड़ेगा, उस पेज के हमें लिंक देंगे, जैसे इस पर क्लिक हम करें तो हमारा उस पेज पे ही हमको रिडायरेक्ट कर दे। ओके, तो सिंपली से हम कंट्रोल एस प्रेस करते हैं एंड अपने ब्राउजर पर आते हैं, और जैसे यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे देखिए हमारा ये सभी मेन्यू यहाँ पर आ गया, होम, कोर्स, कंटेक्ट। अगर इस पर हम क्लिक करते तो हमारा ये पेज अगर होता है यहाँ पे, उस पेज पे हमको रिडायरेक्ट कर देता, बट हम ऐसा कोई लिंक दिए नहीं, उसके जगह पे हैड दिए, ब्लैंक रखें इसलिए सर। तो बेसिकली हम इसके लिए हेड टैग को यूज करते हैं ऑथर की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए। इसके लिए आई होप आप समझ पाए हो कि हेड टैग का हम कैसे यूज़ करते हैं HTML में। तो बेसिकली यहाँ पर हम कोई भी CSS नहीं यूज़ किए, ओनली HTML को यूज़ किए हैं, जिसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर समझने के लिए।